नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बीसीई सीईबी में 85% सीटों पर नामांकन आज होगी दर्ज। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद आज बिहार के मेडिकल कॉलेज की 85% सीटों पर एडमिशन के लिए फर्स्ट राउंड का प्रोफेशनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी करेगा, जिसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के तहत सीटें आवंटित करने का प्रावधान है। इस बाबत बीसीई सीईबी ने साफ कहा है कि प्रोफेशनल सीट अलॉटमेंट जारी नहीं होने के एक दिन बाद एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और प्रोफेशनल सीट अलॉटमेंट आज जारी किया जाएगा। अलॉटमेंट लेटर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक होगी। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन 5 से 9 दिसंबर तक होगा। माउंटेन मैन दशरथ मांझी की बेटी ने दुनिया को कहा अलविदा। माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी को आज कौन नहीं जानता। हालांकि पहाड़ को तोड़कर सड़क बनाने वाले मांझी आज हमारे बीच नहीं है, मगर जब भी माउंटेन मैन का जिक्र होता है दशरथ मांझी का जिक्र भी जरूर किया जाता है। वहीं अब उनके बाद उनकी बेटी ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया है। मिली जानकारी के अनुसार माउंटेन मैन दशरथ मांझी की बेटी लौंगी देवी ने आज ही दुनिया को अलविदा कहा है। आपको बता दें, लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। उनका मगध मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि एक सप्ताह पूर्व लौंगी देवी को मगध मेडिकल अस्पताल से पटना रेफर किया गया था। तीसरे चरण के ट्रायल के तहत 25 वॉलंटियर को दिया गया टीका। कोरोना माहौल के बीच सभी लोगों को बस अब वैक्सीन का इंतजार है, जिसके बाद अब भारत को भी बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है। बिहार में भी वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद बीते दिन सबसे पहले यह वैक्सीन 25 वॉलंटियर को दी गई है। टीका लगाने के पहले इन सभी के स्वास्थ्य की जांच भी करवाई गई। टीका लगने के बाद इनके शरीर पर वैक्सीन का क्या असर होगा, इसका अध्ययन एम्स के चिकित्सक करेंगे। लगभग 28 दिनों तक एम्स के चिकित्सक इन वॉलंटियर्स के स्वास्थ्य पर नजर रखेंगे। वैक्सीन कार्यक्रम से जुड़े एम्स के एक वरीय चिकित्सक ने बताया है कि अब तक दो चरणों में कुल 90 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका दिया जा चुका है। आपको बता दें, पहले चरण में 44 और दूसरे चरण में 46 लोग शामिल हुए थे। सभी लोगों में टीका का सकारात्मक असर पड़ने के बाद तीसरे चरण का ट्रायल शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेयजल आपूर्ति की समस्या का समाधान निकालने की कही बात। हर घर नल का जल योजना को बिहार के हर गांव कस्बे में सफल बनाने की सरकार की पूरी कोशिश नजर आ रही है। वहीं अब इस योजना को पूरा करवाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि हर घर नल का जल योजना के तहत पेयजल आपूर्ति में कोई समस्या आए तो उसका तत्काल समाधान निकाला जा सके। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि रखरखाव के लिए एक तंत्र विकसित करें और लगातार निगरानी करते रहें। पेयजल की आपूर्ति के लिए समयावधि भी निर्धारित रखें। किसी भी योजना के क्रम में यदि सड़क को काटना आवश्यक हो तो उसकी तत्काल मरम्मत भी उसी गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करें। उपेंद्र कुशवाहा ने किसानों का समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतरने की कही बात। किसानों का आंदोलन पूरे देश में देखने को मिल रहा है। वहीं किसानों की मांग और बढ़ते गुस्से को देखते हुए कई राजनीतिक दल भी अब किसानों के हित में बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। साथ ही किसानों के पक्ष में सड़कों पर उतरने की बात भी कह रहे हैं। इसी क्रम में रालोसपा भी मैदान में नजर आने वाली है। इस बाबत रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने यह ऐलान कर दिया है कि अब केंद्र सरकार ने किसानों की मांग अगर नहीं मानी तो किसानों की तरह ही रालोसपा भी सड़कों पर उतरने वाली है। पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर किसान विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए इसकी निंदा की है। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में पार्टी की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक में किसान आंदोलन के समर्थन का प्रस्ताव पास किया गया। किसान आंदोलन को लेकर तेजस्वी ने दिया बयान। किसानों के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश तेज हो गई है। इसी क्रम में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन और किसान विरोधी काले कानून के विरुद्ध गत दिवस बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर राजद और महागठबंधन ने प्रदर्शन किया, यह विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पूंजीपरस्त किसान विरोधी एनडीए सरकार को हटाकर ही दम लेंगे। हालांकि इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर निशाना साधते नजर आ चुके हैं। अब किसानों का नाम लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश एक बार फिर करते देखे जा रहे हैं। आपको बता दें, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान बीते कई दिनों से सड़कों पर उतरे हैं। बिहार के अनुभवों पर बंगाल में चुनावी मैदान में उतरेंगे वाम दल। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजर बंगाल विधानसभा चुनाव की तरफ है, जहां अब वाम दल भी अपनी किस्मत आजमाने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार वाम दलों के प्रमुख घटक दल के बीच बिहार चुनाव के अनुभवों के आधार पर पश्चिम बंगाल, असम और अन्य प्रदेशों में होने वाले चुनाव में नई ऊर्जा के साथ भागीदारी की रणनीति बन रही है। बिहार चुनाव में मिली सीटों से उत्साहित कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच यह बात सामने आई है कि बिहार की जीत से इन प्रदेशों में भी वामपंथ की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी की है। भाकपा माले केंद्रीय कमेटी की 2 दिवसीय बैठक के
पहले दिन कई राज्यों से नेता पटना पहुंचे, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तराखंड, कर्नाटक आदि प्रदेशों के माले के शीर्ष नेताओं को भी देखा गया। भूमाफियाओं पर नीतीश सरकार हुई सख्त, सरकार बनाने के साथ ही नीतीश कुमार अब पूरी सजगता के साथ काम करते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर नकेल कसी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भूमाफियाओं पर भी नीतीश सरकार सख्ती से पेश आने वाली है, जिसके तहत बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सरकारी जमीनों का ब्यौरा तैयार करने का फैसला सुनाया है। हर एक जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप जिन लोगों ने सरकार की जमीनों पर कब्जा जमा रखा है उन्हें जमीन से बेदखल किया जाएगा। यानी कि अब पूरे राज्य में विशेष तौर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की तैयारी चल रही है। किसान आंदोलन पर सुशील मोदी ने उठाए सवाल। किसान आंदोलन को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सवाल उठाए हैं, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन अपना एक ट्वीट जारी किया है। ट्वीट जारी करते हुए उन्होंने किसान आंदोलन को विदेशी फंडिंग मिलने की बात कही है। उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि किसान आंदोलन को भारत विरोध की गलत दिशा में ले जाने के लिए विदेशी फंडिंग से चलने वाले लगभग 100 छोटे बड़े संगठनों की संलिप्तता पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। कहा कि जेएनयू के वामपंथी छात्र, महाराष्ट्र का मछुआरा संघ सीटू और एआईकेएस जैसे गैर किसान संगठनों की भागीदारी के बाद किसानों के मुद्दे पर बिहार को जाम करने की माकपा की धमकी का एनडीए कड़ा राजनीतिक प्रतिरोध करेगा। आरएसएस प्रमुख का बिहार दौरा आज से हुआ शुरू। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दो दिवसीय बिहार का दौरा आज से शुरू हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार आज अपने पहले दिन के दौरे के तहत पटना में राष्ट्रीय संघ सेवक की दो दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की क्षेत्र स्तरीय बैठक होने वाली है, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सरकार कार्यवाहक भैया जी जोशी शामिल होंगे। 5 और 6 दिसंबर को क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक में शामिल होंगे। बैठक का आयोजन पटना के केशव विद्या मंदिर में आयोजित होगा। बैठक में बिहार झारखंड से संघ के 40 पदाधिकारी शामिल होंगे। संघ के अलग अलग संगठनों के कामों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में राम मंदिर निर्माण पर भी चर्चा होगी। हालांकि मोहन भागवत के आने से पहले ही राजनीति शुरू हो गई थी। नीतीश के सुशासन पर भाजपा ने ही उठाए सवाल। बिहार में सुशासन की बात कहने वाले नीतीश सरकार के खिलाफ उनके ही साथ भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष तो पहले से ही कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाती रही है, लेकिन इस बार सत्ता की साझेदार भाजपा ने भी प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने अपनी ये नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर की है। डॉ संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे तो यही लगता है कि संजय जायसवाल अपनी ही सरकार से नाराज है और अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट सीएमपी, बिहार में नई सरकार के बनते ही एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके बाद भाजपा, जदयू, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और वीआईपी के शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में सभी घटक दलों के घोषणा पत्र को शामिल कर उस पर चर्चा की जा रही है, जिसके बाद अगले 5 साल में विकास के उन सभी कामों की प्रमुखता दिए जाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है जो एनडीए के घटक दलों ने जनता से वादा किया है। इसके तहत सभी चारों घटक दलों के घोषणा पत्र में किए गए वादों को शामिल किया जाएगा और विकास कार्यों को जोर शोर से शुरू किया जाएगा। कंगना के विरोध में उतरी सिख कमेटी, किसान आंदोलन को लेकर विवादित ट्वीट करने के चलते कंगना रनौत चौतरफा घिरती नजर आ रही हैं, जिसके बाद अब दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने बॉलीवुड अभिनेत्री को लीगल नोटिस भेजा है और उनसे बिना शर्त माफी की मांग की है। दरअसल कंगना रनौत ने हाल ही में किसान आंदोलन में शामिल हुई एक बुजुर्ग महिला को शाहीनबाग की बिल्किस बानो बताते हुए ट्वीट किया था, जिस पर ही विवाद गहरा गया था। कंगना ने बाद में अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया था, लेकिन पंजाबी एक्टर्स और सिंगर्स समेत सोशल मीडिया पर तमाम लोग उनकी निंदा कर रहे थे। अब सिखों के धार्मिक संगठन की तरफ से भी लीगल नोटिस जारी करने के बाद कंगना की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 2021 में श्रीलंका में होगा एशिया कप का आयोजन, 2022 में भारत फंसा सकता है पेच। एशियाई क्रिकेट परिषद की नई बैठक में यह फैसला हुआ है कि पाकिस्तान 2022 में एशिया कप आयोजन करेगा, जबकि 2021 में श्रीलंका को टूर्नामेंट की मेजबानी का मौका मिला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ वसीम खान ने कहा है कि 2022 में पाकिस्तान को मेजबानी का मौका मिलेगा। हालांकि यह सब कुछ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के रुख पर निर्भर करेगा। अगर भारत अपनी आपत्ति जताता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पिछले कई सालों से पाकिस्तान का होम ग्राउंड यूएई बना हुआ था। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में बिहार सरकार सफल हो पाई है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।